हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहे और हमें प्यार देते रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के फास्टनर लगाना सिखाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं आप इस पर झूमर लगा सकते हैं या कुछ और हैंग कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन का फास्टनर है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रिल बिट जो है वो 10 mm की बिट है, और हमने हमारा जो POP वाले ने है वो सेंटर निकाल के रख दिया है। हम उसी सेंटर में हम अपना फास्टनर लगाएंगे। तो हमें दो फास्टनर की ज़रूरत पड़ती है, एक सीलिंग फ़ैन में और एक हुक की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने 10 mm का होल कर दिया है। ये जो हम कर रहे हैं ये फ़ैन के लिए कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहा है इलेक्ट्रिशियन भी है, ये EM seal को मिक्स कर रही है। ये जो देख रहे हैं आप, ये EM seal है, इजीली हार्डवेयर की दुकान में अवेलेबल मिल जाता है आपको। ये जो दो EM seal के पैकेट में रहते हैं, इसको मिक्स करना पड़ता है दोनों को इक्वल क्वांटिटी में। तो हम इसको भी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। और फास्टनर पे लगा देंगे जिस तरह से अभी देखा, फास्टनर में लगा देंगे और उस पर क्लिप डाल देंगे। और दो हथौड़े की सहायता से या दो हैमर की सहायता से, एक छोटा हैमर और एक बड़ा हैमर, छोटा हैमर ऊपर रखेंगे और बड़ा हैमर से हम ठोक देंगे उसको। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फास्टनर अच्छे से लग चुका है। और अभी और दो तीन बार मार देंगे तो ये पूरा क्लिप जो है वो अंदर जाने को होना, क्लिप बाहर रहने को नहीं होना। अगर क्लिप बाहर रहती है तो आपका फास्टनर अच्छे से नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अभी मार दिए, ये इलेक्ट्रिशियन भैया है, आपने इसको पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, इसके पहले भी जो हमें फास्टनर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी ये भैया अच्छे से कर देते हैं, एक्सपर्ट है वैसे भी ये फास्टनर लगाने में, तो इसलिए हम इनको बुलाते हैं फास्टनर लगाने के काम पे कहीं भी। अभी फास्टनर लग चुका है, एक तरफ का फास्टनर लग चुका है, अभी दूसरी तरफ का फास्टनर लगने का बाकी है। तो अब ये पेंचेस की सहायता से या प्लायर, जिसको आप प्लायर भी बोलते होंगे, प्लायर की सहायता से हम ये नट को बाहर खोल देंगे और हुक लगा देंगे। अभी हुक तो लग गई, अभी हुक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अभी एक ही लगा है, तो इसलिए हुक लगा रहे हैं क्योंकि दूसरा जो होल है उस पर भी मैच होना चाहिए, दूसरा होल मैच होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हुक का दूसरा वाला होल है, दूसरी तरफ वाला होल है, हम वहाँ पे ड्रिल करेंगे। थोड़ा सा टाइट कर देंगे इसको और अभी ड्रिल कर देंगे। देखिए अभी दूसरी जगह पे जो होल दिख रहा है आपको, वहाँ पे ड्रिल कर रहा है। अभी हमने हटा दिया थोड़ा सा मसल ड्रिल से मार्किंग करके, ताकि पूरी ड्रिल अंदर चले जाए। ये देखो हमारा ड्रिल पूरे अंदर चले गए। तो आप ड्रिल बिट को मतलब कितना अंदर डालेंगे वो तो स्लैब के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, कि आप ड्रिल को वहाँ तक ही अंदर डालें जहाँ तक कि आपका फास्टनर का चूड़ी है। आप फास्टनर की चूड़ी थोड़ी सी अंदर जाने को होना, मतलब स्लैब के अंदर जाने को होना, बस वहाँ तक ही आप ड्रिल कीजिए। कोई फास्टनर छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, तो उस हिसाब से आप ड्रिल करें। 10 mm का भी फास्टनर आता है, 12 mm का आता है, 6 mm का आता है, 8 mm का आता है, 14 mm का आता है, 16 mm का आता है, आपको जिस साइज का होना उस साइज के हिसाब से फास्टनर आता है। तो अब ये देखिए फास्टनर पे इलेक्ट्रिशियन भैया ये EM seal लगा रहे हैं। ये देखिए अब इसको होल के अंदर डाल दिए। मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि फास्टनर में EM seal का यूज़ क्यों किया जाता है। फास्टनर में EM seal का यूज़ इसलिए किया जाता है, ताकि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि वो फास्टनर के आजू बाजू में EM seal लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि EM seal जब सूखने के बाद इतना टाइट हो जाता है कि वो फास्टनर को फिसलने नहीं देता। और जो हुक है आप देख रहे हैं, ये पिन देख रहे हैं आप, पतली वाली पिन जो देख रहे हैं सेंटर में डाल रहे हैं फास्टनर के, वो क्या कर देता है अंदर, उसको जब ठोकेंगे फास्टनर के अंदर तो उसको फैला देता है अंदर से। तो फैला देता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो अंदर फैल जाता है और नीचे की तरफ वो स्लिप नहीं होता, नीचे की तरफ स्लिप नहीं होता, तो इसलिए वो EM seal लगाया जाता है। मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दिया था, आप भी कमेंट कीजिए, मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ कमेंट में।
ये देखिए अभी ये हमारा लग गया। अब ये नट को खोल देंगे और ये हुक का होल उससे मिला देंगे अंदर से। आपको और किसी और तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता भी सकते हैं। ये देखिए अब हमने लगा दिया और आप नट लगा देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे स्पैनर की मदद से। अब इसको अच्छे से टाइट करें स्पैनर की मदद से। अगर आप टाइट नहीं करोगे तो जब फैन लगाओगे तो फैन वाइब्रेट हो जाएगा। वाइब्रेट होने का मतलब यही है कि वो फिर वाइब्रेट होगा तो धीरे धीरे नट आपका निकल सकता है। तो इसको अच्छे से टाइट करें। देखिए पहले हम प्लायर से टाइट कर रहे हैं, अभी उसके बाद स्पैनर लेंगे। स्पैनर से जिसको आप पाना भी बोलते होंगे, स्पैनर से अब इसको टाइट कर देंगे। ये वीडियो मैंने कहीं भी कट नहीं की है, ये पूरे कंटिन्यू वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो है, थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है इस बार, तो इसको शुरू से आखिर तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये फास्टनर कैसे लगा देते हैं। देखो हम हमारे पास रिंग स्पैनर है जिसको रिंग स्पैनर कहा जाता है। अभी इसको दोनों तरफ के नट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। नट टाइट होने के बाद हम इस पे फैन हुक लगा देंगे। अभी का पीओपी का काम चालू होने वाला है अभी 1 घंटे में, तो अब इसकी सहायता से देखिए अब नट टाइट होने के बाद में हमने उस पे और एम सील लगा दी है। एम सील लगाने का मतलब ये है कि अगर वो टाइट होने के बाद भी अगर वाइब्रेट होता है तो वो नट घूमेगा नहीं और लूज भी नहीं होगा। देखिए हमने कितने अच्छे तरह से एम सील लगा दिया वहाँ पे, आप देख सकते हैं कि वो पीओपी वाले ने सेंटर निकाल दिया है। बिल्कुल उसी सेंटर में हमने एंकर बोल्ट मार दिए हैं। अभी ये हमारे पास फैन क्लैंप है, हम फैन क्लैंप के नट खोल देंगे और वहीं पे हुक जहाँ लगाए हमने फैन हैंग करने के लिए, वहीं पे हम उसको लगा देंगे। अब फैन रॉड लिया, फैन रॉड के अंदर हमने फैन के वो वायर डाल दिए हैं। अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिकल का वर्क करना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम को जमता है वो वहाँ का काम तो हम जरूर कर देंगे। ये देखिए अभी हमने फैन क्लैंप लगा दिया हुक पे और अभी फैन रॉड के होल फैन हुक से मैच कर रहे हैं। और अभी ये लगा दिया हमने नट बोल्ट, इसको अच्छी तरह से टाइट करना। अगर इसको टाइट नहीं करोगे तो आपका फैन अनबैलेंस हो सकता है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि फैन घूमते वक्त इधर उधर सरक जाता है या हिलता बहुत है, तो हिलता इसलिए है क्योंकि आप जब ये नट लगाते हो तो उसको आप टाइट नहीं करते हो, तो इसकी वजह से वो फैन हिलता है। आप जब भी हुक लगाओगे या फैन रॉड लगाओगे तो उसको अच्छे से टाइट करना स्पैनर की मदद से। ये देखो हमने फ्लैट स्पैनर की मदद से हम इसको पूरा टाइट कर रहे हैं। दोनों तरफ अभी ऊपर का और नीचे का दोनों हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। ये रिंग स्पैनर है, हम उससे भी इसको टाइट कर रहे हैं। ऊपर वाले को भी अभी टाइट कर देंगे, नीचे वाले को तो टाइट कर दिया अभी। अगर आपको कहीं भी नागपुर में या विदर्भ में, वैसे तो हम नागपुर में रहते हैं, अगर विदर्भ में कहीं भी आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क करना हो या कुछ भी इलेक्ट्रिकल का काम, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल का काम हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना नंबर जरूर छोड़ना, वहाँ पे हम आपको कॉल करेंगे। अगर विदर्भ में कहीं भी हो, नागपुर में भी देखो हमारा इलेक्ट्रिशियन अभी झूल रहा है वहाँ पे,
मतलब इसका मतलब यही है कि हमारा फैन रॉड अच्छे से लगा हुआ है, मतलब अपना फास्टनर अच्छे से लगा हुआ है। देखिए हमारा इलेक्ट्रिशियन का वेट कम से कम 70 से 80 किलो के बीच में है, तो वो झूल रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी अच्छी वीडियो मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।